नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं GVN24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। तवांग में चीन और भारत सैनिकों के बीच में हुई झड़प, काफी सैनिक हुए घायल। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। चीन की सेना और भारतीय सेना के जवान के बीच अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है। यह घटना 9 दिसंबर 2022 की है। दोनों सेनाओं के सैनिक के बीच ये झड़प तवांग में हुई है। इस झड़प में दोनों देशों के कई जवान घायल हुए हैं। भारतीय सेना के 6 सैनिक घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चीन के करीब 300 सैनिक तवांग के यांगटिस में भारत पोस्ट को खाली कराने पहुंचे थे। और सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे NSA डोभाल। बताया जा रहा है कि LAC पर सुरक्षा हालातों को लेकर हो रही है चर्चा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GVN24।